different role. You're an actress and you're getting to play different characters. That's what we are all looking for. So I try with each film to do something new. So with Commando, I tried to do something funny. In all the South films, most of the ones I've done, my roles have been very emotionally, I've been crying and all of it. So I'd be very diplomatic and say the language it started. I don't want to miss the film. Okay, I'm going to watch the film. It's a language. The language is totally different and I have to mug up lines because I don't speak Telugu or Kannada. So when I do a South film, I'm sitting with a book. I feel like I'm in school 10th standard exams. टाइम पे तो सभी जाते हैं आजकल मुझे नहीं लगता मैं पहले की स्टोरी सुनता था कि लोग शायद लेट आते थे एक एक आधा आधा शिफ्ट लेट ऐसा मैंने अपने सामने आज तक कभी देखा नहीं है थैंकफुली मैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उन लोगों ने मुझे सिखाया है साउथ में मुझे सीखने को मिला है कि पंचुअलिटी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर्स ऑन दिस प्लैनेट पीटा के लिए मैं अपनी खाल भी खींचने के लिए तैयार हूँ रेडी सर रेडी अभी मैंने रिसेंटली उनके लिए एक कैंपेन किया जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि एनिमल्स एनिमल से बनी हुई चीज़ें नहीं पहननी चाहिए एनिमल स्किन से जो चीज़ें बनती खासकर लेदर लेकिन मैं ग्वालियर से हूँ वहाँ पे हमको ऐसा दिखाया जाता था बताया जाता था कि बड़े माचो बनने के लिए लेदर की जैकेट वगैरह लेकिन ये माचोनेस अपनी और भी चीज़ों से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी जानवर की खाल खींचने की ज़रूरत नहीं है तो पीटा के साथ मैं जुड़ा हूँ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ फिल्म के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि फिल्म का क्या अभी प्रोग्रेस है शूटिंग चल रही है बट हाँ ये अंगमली डायरीज के बारे में मैंने बहुत सुना था एक स्क्रीनिंग इसकी पहले हुई थी तो उसमें भी जितने लोग गए थे इंडस्ट्री में से उन्होंने बहुत तारीफ़ की और अभी भी मैं देख रहा हूँ इंटरवल हुआ है अभी तक एक बहुत ही कमाल की फिल्म चल रही है मैड रश है मैड राइड है और बहुत ही डिफरेंट है बहुत ही ऑर्गेनिक है बहुत ही रियल है और ग्रिटी फिल्म है एट द सेम टाइम बहुत एंटरटेनिंग है तो मैं आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड हाफ ऑल्सो बहुत ही यूनिक फिल्म है और बहुत ही डिफरेंट फिल्म है ये ऐसी फिल्म है जो वर्ल्ड ओवर कहीं भी चलाई जाएगी तो अप्रिशिएट की जाएगी बैकग्राउंड स्कोर की खास तारीफ है डायरेक्टर इज डन अ सुपर्ब जॉब एंड गेटिंग अ वर्क डन आउट ऑफ यू नो सो मेनी न्यू एक्टर्स और फिर भी ऐसा लग रहा है कि यू नो एक इंटरनेशनल फिल्म देख रहे हैं ये फीलिंग आती है इस फिल्म को देख के आई थिंक ये फिल्म इज़ अ मस्ट वॉच फॉर एवरीबडी स्पेशली अपकमिंग फिल्म मेकर्स एंड टैलेंट